सो जनरली प्रोसेस कंट्रोल की टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के कंट्रोल के लिए यूज़ होती है सो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर बेसिकली हम डील uh, करते हैं आर्किटेक्चर uh, से कंट्रोल का आर्किटेक्चर क्या होगा मींस हार्डवेयर मैकेनिजम्स क्या होंगे और क्या कंट्रोल एल्गोरिथम्स यूज़ होंगे टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस विद इन अ रेंज फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो हम किसी केमिकल रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल की बात करते हैं तो uh, किसी केमिकल रिएक्टर uh, के अंदर जो है वो टेम्परेचर uh, को एक कांस्टेंट लेवल पे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है टू गेट अ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट आउटपुट ओके सो इस तरह से जो सा वो हम प्रोसेस कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस एक प्रोसेस uh, के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल हो, होता हुआ देखते हैं सो so, एक तरफ जो सा वो वाटर लेवल के कंट्रोल की भी बात आ रही है कि वाटर का लेवल जो है उसको स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन रखा जाए बिटवीन हाई एंड लो वाटर्स इसी तरह से एट टॉप हम प्रेशर को भी देख चुक देख सकते हैं कि प्रेशर को भी एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रखा जा रहा है सेम वे जो सा वो हम प्रेशर uh, कंट्रोल के बाद हम यहाँ पे एट बॉटम फ्लो कंट्रोल को भी देख रहे हैं तो फ्लो जो है वाटर का उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है इसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल भी uh, आ रहा है वाटर uh, का एंड एज वेल एज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बर्नर का फायरिंग रेट है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है सो so यहाँ पे इस ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो जिसमें मल्टीपल प्रोसेस वेरिएबल्स कंट्रोल किए जा रहे हैं प्रेशर फायरिंग रेट फ्लो टेम्परेचर एंड वाटर लेवल टू मेंटेन स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटपुट तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन की प्रोडक्शन uh, की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो सा वो इन सब प्रोसेस के इस पूरे प्रोसेस में इन सब प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना आ, बहुत जरूरी है सो so, इंडस्ट्रीज में हम प्रोसेस कंट्रोल को बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं जहाँ पे हमें मैस प्रोडक्शन करनी है कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स की आ, और फॉर एग्जांपल हम आयल रिफाइनिंग की बात करते हैं या पेपर मैनुफैक्चरिंग है इसी तरह से केमिकल्स एंड पावर प्लांट्स हैं सो so, केमिकल्स के अंदर भी और पावर प्लांट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंट प्रोडक्ट आउटपुट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है फॉर अ गुड प्रोडक्शन एट द एंड और जहां पे भी मैस प्रोडक्शन हो रही होगी वहां पे हम प्रोसेस कंट्रोल को जो है वो जरूर इनकॉर्परेट uh, करते हैं पूरे सिस्टम के अंदर सो प्रोसेस कंट्रोल के साथ ओवरऑल सिस्टम की ऑटोमेशन भी हो जाती है सो so, ऑटोमेशन का फायदा हमें प्रोसेस कंट्रोल में ये होता है कि सिंपल uh, मतलब कोई भी स्मॉल स्टाफ जो है uh, जो कि पूरे के पूरे प्रोसेस को कम्पलेक्स प्रोसेस को ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर हम इस तरह से बात करते हैं ये एक कंट्रोल रूम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है सो so, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑटोमेट किया जाता है थ्रू प्रोसेस कंट्रोल और एक कंट्रोल रूम के थ्रू दो या तीन आ, स्टाफ मेंबर्स भी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम के अंदर कंप्लीट जो है वो स्टेटस ऑफ कंप्लीट प्रोसेस आ रहा है उसके डिफरेंट पार्ट्स का ठीक है डिफरेंट जगहों पे हमारे पास जो सा वो इंडिकेटर्स भी, हैं और controls भी given है और कंट्रोल वैल्यू के अंदर कि, uh, फर्क आ रहा है तो फ्रॉम दीज एक्टर्स दीज सेट पॉइंट यूनिट्स के थ्रू जो सा वो हम किसी भी प्रोसेस uh, के वेरिएबल की सेट पॉइंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और कंप्लीट पूरे प्रोसेस का जो है वो स्टेटस uh, जो सा वो रियल टाइम इन कंट्रोल यूनिट्स के ऊपर इन डिस्प्लेस पे हम देख सकते हैं कि करंटली जो है वो प्रोडक्शन आउटपुट किस तरह की चल रही है ओके okay? सो so, इसी तरह से जो सा वो केमिकल प्लांट्स और पावर प्लांट्स के तौर के अंदर भी जो है सा वो प्रोसेस कंट्रोल जो है ये इस तरह की ऑटोमेशन ला सकती है जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस अः एनालाइज भी हो रहा है ऑब्जर्व भी हो रहा है और वहीं से वो कंट्रोल भी हो रहा है